हे एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। क्या आप भी अपनी हेल्थ के इश्यूज से परेशान हैं तो आपको सर्दियों में बाजरे की रोटी ज़रूर खानी चाहिए। सर्दियों में बाजरे की रोटी खाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। ठंड के दिनों में बाजरे का आटा खाना सेहत के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। यह डायबिटीज से लड़ने में मदद करता है और साथ ही कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल में लाता है। तो हम इस वीडियो में आगे इसी के बारे में बात करेंगे। हम बताएंगे कि बाजरे की रोटी सर्दियों में खाने से आपको क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें और पास ही में जो बेल आइकन बटन है उसे भी प्रेस कर दें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अधिकांश घरों में गेहूं का आटा इस्तेमाल खाने के लिए किया जाता है, लेकिन कई घरों में लोग गेहूं के आटे के साथ साथ बाजरे की रोटी भी बहुत चाव से खाते हैं। आजकल तो बाजरे के आटे का मार्केट में काफ़ी डिमांड बढ़ गई है। क्या आप जानते हैं, ठंड के दिनों में बाजरे का आटा हमारी सेहत के लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। बाजरे का आटा हमारी पाचन क्रिया को मजबूत बनाने के साथ साथ हमें कई तरह की बीमारियों से भी बचाता है। बाजरे के आटे में फाइबर, अमीनो एसिड भरपूर मात्रा में पाई जाती है। यदि आप अपने शरीर को भरपूर मात्रा में पोषक तत्व देना चाहते हैं तो अपने डाइट में बाजरे का आटा खासकर ठंड के दिनों में जरूर शामिल करें। यहाँ हम आपको बाजरे का आटा खाने के अद्भुत फायदों के बारे में बता रहे हैं। बाजरे का आटा फाइबर से भरपूर होता है। बाजरे का आटा ग्लूटेन फ्री होता है। इसमें फाइबर की मात्रा काफ़ी अच्छी पाई जाती है। यदि आप बाजरे के आटे का रोज सेवन करते हैं तो आपको कब्ज की समस्या से निजात मिल सकती है। फाइबर भरपूर मात्रा में पाए जाने के कारण इसे खाने से लंबे समय तक भूख भी नहीं लगती। यदि आप इसे अपनी डाइट में रोजाना शामिल करते हैं तो आप आसानी से अपना वेट लॉस भी कर सकते हैं। यह आटा प्रीबायोटिक के रूप में काम करता है। यदि डायबिटिक वाले रोगी इसका सेवन करें तो उनके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकता है। यदि आप दिल के रोगी हैं तो आपके लिए बाजरे का आटा खाना बेहद फायदेमंद हो सकता है। बाजरे में मैग्नीशियम, पोटेशियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। बाजरे का आटा ब्लड वेसल्स को फैलाने में भी काफ़ी मदद करता है। यदि ब्लड प्रेशर वाले रोगी बाजरे का आटा खाए तो इसमें मौजूद फाइबर उनके कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रख सकता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसका सेवन करने से डायबिटीज होने का खतरा कम रहता है। बाजरे के आटे में फाइटिक एसिड, टैनिन और फिनोल जैसे एंटीऑक्सीडेंट प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। यदि आप इसे अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो आपकी बढ़ती हुई उम्र बहुत हद तक कंट्रोल में रह सकती है। यह हमारे इम्यून सिस्टम को भी मजबूत करने में काफ़ी मदद करता है। यदि आप इसका सेवन रोजाना करते हैं तो आपके शरीर से विषाक्त पदार्थ बड़ी आसानी से बाहर निकल सकते हैं और आप किडनी या लीवर संबंधित बीमारियों से खुद को बचा सकते हैं। बाजरे के आटे में फाइबर काफ़ी अच्छी मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए डायबिटीज वाले रोगी इसका रोजाना सेवन करें तो उनकी ये बीमारी कंट्रोल में रह सकती है। उन्हें प्रचुर मात्रा में मैग्नीशियम और ऊर्जा मिल सकती है। बाजरे का आटा खाने से बीपी और हार्ट अटैक जैसी बीमारियों का खतरा भी कम हो जाता है। यदि आप रोजाना इसका सेवन करते हैं तो आपको लंबे समय तक आप सुरक्षित रह सकते हैं काफ़ी सारी बीमारियों से। बाजरे के आटे में दूसरे अनाज की तुलना में अधिक ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है। इसीलिए आपको सर्दियों में बाजरे को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए, जिससे कि आप इतने सारे फायदों को उठा सकें। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइएगा और आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं वह भी बताइएगा। एक बार फिर आपके लिए नए वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर।